बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे न्यू और यूनिक ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड आइडियाज की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अब हर आइडिया हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता। कुछ लोगों को इंग्लिश बैरियर आता है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। अगर यूट्यूब चैनल का कोई आइडिया शेयर करें, वहाँ पे लेडीज के साथ इशू होता है कि वो अपना फेस या फिर वॉइस सामने नहीं लाना चाहती। इसके अलावा कुछ इश्यूज ये आ रहे होते हैं कि कुछ लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता, उनके पास जस्ट मोबाइल होता है, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा आइडिया शेयर करें जिस पे हम अपने मोबाइल से इंप्लीमेंट कर सके और मोबाइल से काम करके अर्निंग कर सके। इसी वजह से आज की हमारी वीडियो का टॉपिक और न्यू आइडिया इन तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, सूटेबल है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप सिर्फ मोबाइल से काम करना चाहते हैं, अगर आप लेडीज हैं, हर कोई इस आइडिया पे इम्प्लीमेंट कर सकता है, इस आइडिया पे काम कर सकता है और इसे अर्निंग कर सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आइडिया क्या है, क्या काम है, कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसीजर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे हमारी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कौन सा आइडिया आपके लिए सूटेबल हो, आप उस पे काम करना स्टार्ट करें और वो काम आपके लिए लाइफ चेंजिंग काम साबित हो जाए। काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि 7100 लैंग्वेजेस हैं जो इस दुनिया के अंदर बोली जाती है। अब डेली बेसिस पे लोगों को एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है, और बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स है जो ऑफिसेज दफ्तरों के अंदर यूज होते हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, उनको ट्रांसलेट करना होता है। कंपनीज काम के लिए यहाँ पे फ्रीलांसर्स हायर करती हैं। आप कहेंगे कि यार मुझे तो जस्ट 2-3 लैंग्वेजेस आती हैं, ज्यादा नहीं आती, तो भाई कोई मुश्किल नहीं, वीडियो को कम्प्लीट देखें। मैं कम्प्लीट समझाता हूँ कि आपको 7100 लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन फ्री में मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, देखते जाएं। अब हम यहाँ से आते हैं फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि 52,000 पीपल यहाँ पर इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। अब हमें तो यहाँ से काम नहीं मिलेगा भाई, ये तमाम लैंग्वेजेस के लोग हैं जो इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सर्च करें ट्रांसलेट चाइनीज टू इटालियन, यहाँ पर जस्ट 1100 गिग्स हमें यहाँ पर नजर आई। अगर सेम एज इट इज हम यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर 0 गिग्स भी मिलेंगी, जिन लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। आपने यहाँ पर देखा 7100 लैंग्वेजेस हैं, तो आपने थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि फाइवर के ऊपर वो लैंग्वेजेस सर्च करनी है जिनकी सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। ऐसी 1000+ लैंग्वेजेस होंगी, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, लैंग्वेजेस सर्च करनी है। अब वो ट्रांसलेशन हमने कहां से करनी है, यहां पर मैं आता हूं गूगल ट्रांसलेट। आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको लैंग्वेज की फाइल देगा, जो वो डॉक्यूमेंट्स देगा, वो डॉक्यूमेंट्स की जो लैंग्वेज होगी आपने यहां पर पेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहां से एक रैंडम डाटा लिया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इसको मैंने यहां पे पेस्ट किया और यहां पर अरेबिक लैंग्वेज मैंने चूज की। अब ये जो डाटा मैंने इसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दिया, इसने मुझे अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट करके दे दिया है, और साथ इसकी इंग्लिश के अंदर भी अरेबिक लिखी है और अरेबिक लैंग्वेज के अंदर भी अरेबिक लिखी हुई है। सेम एज इट इज मैं यहाँ से लैंग्वेजेस चेंज करता जाता हूँ, डाटा सेम भी रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। इसको मैं कहता हूँ कि अरेबिक नहीं, मुझे ये डाटा हिंदी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके दो। मैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके दे दिया। अब मैं यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ पंजाबी, तो ये इंडियन पंजाबी लैंग्वेज के अंदर इसने ट्रांसलेट करके दे दिया। अब मैंने यहाँ से रशियन लैंग्वेज चूज की, तो उसने रशियन लैंग्वेज के अंदर ये डाटा हमें ट्रांसलेट करके दे दिया। आप दुनिया जहान की कोई भी लैंग्वेज यहाँ से चूज करके अपने डाटे को उस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो भाई, वो भी बिल्कुल फ्री और एक मिनट के अंदर। यहाँ से मैं इसको उर्दू के अंदर सर्च करता हूँ, उर्दू लैंग्वेज मैंने यहाँ से सिलेक्ट की, हमारा डाटा उर्दू के अंदर ट्रांसलेट हो चुका है। अब सिंपल हमने क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है जो हमने अपने क्लाइंट को वापस सेंड करनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ और यहाँ पर अपना जो डाटा है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेट हमने की, उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो हमारी इसकी ट्रांसलेशन है, वो कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसकी जो ट्रांसलेशन है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रांसलेशन, और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं,
और इसको मैं यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ। सो ये वो लैंग्वेज थी जो क्लाइंट ने दी थी और ये उसकी हमने ट्रांसलेशन कर ली है। अब सेम एज इट इज आपने चलते जाना है और जो आगे कंप्लीट फाइल होगी उसको ट्रांसलेट करते जाना है। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपने एक पैराग्राफ को उठाना है, गूगल के ऊपर पेस्ट करना है, ट्रांसलेशन लेनी है और उसको वापस वर्ड के अंदर पेस्ट कर देना है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, देन नेक्स्ट पैराग्राफ, इस तरह आपने एक फाइल क्रिएट कर लेनी है, उसको सेव कर लेना है और सेव करने के बाद अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है। बहुत इजी काम है, इससे इजी काम कोई भी नहीं हो सकता। अगर आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें तो आपको ऐसी गिग्स जरूर मिल जाएंगी जिनकी सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं होगा, आप अकेले होंगे उस लैंग्वेज की सर्विस प्रोवाइड करने वाले। तो ये गारंटी है कि आपको काम भी वहां पर जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप जल्दी अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। जी गाइस, वीडियो आपने देखी, आइडिया आपके साथ शेयर हो चुका है, कंप्लीट वीडियो की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जल्दी से इस आइडिया पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें और इससे अर्निंग करना स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।